क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 100 डिग्री है और एंगल डी 110 डिग्री है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें दिया हुआ है ए बी का साइज दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ए डी है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 60 सेंटीमीटर, एंगल बी 100 सेंटीमीटर और एंगल डी 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले क्या करना है, आपको एक रफ फिगर पहले बना के देखना ताकि हमको आसानी से आइडिया लग जाए कि हमारा फिगर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बनाना, तो यहाँ पे क्या करिए, क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए रफ फिगर। ठीक है, बन गया हमारा, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी नाम दे दिया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो हमारा बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का बनेगा और ए डी जो बनेगा वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा, यानी कि ए डी ये 5 सेंटीमीटर बनेगा और एंगल है 60 डिग्री का होगा, तो एंगल ये हमारा है 60 डिग्री का होगा और एंगल बी 100 डिग्री, यानी इसको बनाना है 100 डिग्री का हमको और एंगल डी जो है वो 110 डिग्री बनाना है यहाँ से। ठीक है, यानी कि हमारा क्वाड्रिलेटरल जो बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है, इस तरह का होगा। ठीक है, तो हमको शुरुआत करना है यहाँ से ए बी से 6 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर स्केल रखते हैं और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर ऐसे, तो यहाँ से 6 हो जाएगा हमारा, 0 से 0 से ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख देते हैं ए बी, यहाँ पे था ए बी 6, तो इसका नाम देते हैं ए बी, ए बी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे है ए डी, ए डी बनाना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी ऊपर में सी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ए डी 5 सेंटीमीटर, तो क्या करना है 5 सेंटीमीटर के यहाँ से एक कंपास की सहायता से कट कर लेना। ठीक है, स्केल को ऐसे रखिए और 5 सेंटीमीटर देखिए कहाँ पे है, ऐसे मेजर करना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे ऐसे 5 और दूसरा यहाँ पे ऐसे मेजर करते हैं 5। ठीक है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ भी है वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कट हो गया। आगे है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कट करने के बाद एंगल ए 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो एंगल ए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 60 डिग्री का, कंपास लेना है और यहाँ से एक इस तरह से ये बन गया। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट कट होगा यहाँ से ये बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से 60 डिग्री लाइन खींच देते हैं, 60 डिग्री यहाँ से स्केल रखेंगे और यहाँ से बना देंगे 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया 60 डिग्री का और जितना साइड इसका था ए डी 5 सेंटीमीटर, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, ये हमारा बन गया 60 डिग्री और इसका डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक, तो ए डी था हमारा 5 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या था, डी था। ठीक है, ए बी और यहाँ पे डी हमारा बन गया। तो यहाँ पे सी को लोकेट करना है, सी कहाँ पर होगा, तो देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ तक एंगल है 60 डिग्री, अब एंगल बी है 100 डिग्री, तो एंगल बी यहाँ पर है, तो बी को 100 डिग्री बनाते हैं यहाँ पे, तो प्रोटेक्टर को रखना है और वहाँ से 100 डिग्री बना लीजिए। ठीक है, प्रोटेक्टर रख लिया यहाँ से और देखिए 100 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ से 30, 40, 50, 60, 90 यहाँ पे आता है 100। ठीक है, ये आगे 100 डिग्री, इसको बड़ा कर लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, आगे 100 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी पॉइंट सी नहीं मिला, तो बी हो गया 100 और एंगल डी यहाँ पे बताया जा रहा है, एंगल डी है 110 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लोग को बनाना है 110 डिग्री। तो फिर से यहाँ से रखिए कंपास, प्रोटेक्टर रखिए ऐसे और यहाँ पर भी बना लेते हैं 110 डिग्री, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं 60, 70, 80, 90, 100, 110 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको भी मिला दीजिए,
इस तरह से इसको भी मिला दिए, हमारा 110 बन गया। इसमें हम लोग को मिल चुका है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया था 110 डिग्री, यहाँ पे बनाया था हमने 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है जिसका नाम है ए बी सी डी। इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बी सी का लेंथ कितना है, तो वो भी मेज़र करके स्केल से बता सकते थे। पूछा जाता है डी सी कितना है, ये भी मेज़र करके बता सकते थे। एंगल सी पूछा जाएगा तो ये भी मेज़र करके कंपास से, सॉरी प्रोटेक्टर से बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनानी है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी नहीं दिया है, एंगल बी 100 डिग्री है, एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल डी 110 डिग्री है और ए डी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।